पार्टियां तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन जो पार्टी की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जरा खास है, जरा नहीं बेहद खास। इस पार्टी को आम से खास बनाया है इस शख्स ने, ये है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पासा, वही ISI जिसका वजूद ही हमारे देश में तबाही और गड़बड़ी फैलाना है। इस पार्टी का आयोजन पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त शरद सवरवाल ने किया था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पासा के अलावा इस पार्टी में पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबारियों और पत्रकारों ने हिस्सा लिया, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पासा की हाजिरी ने इस पार्टी को ऐतिहासिक बना दिया। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी इतिहास में किसी भारतीय उच्चायुक्त की इफ्तार पार्टी में अब तक किसी भी ISI चीफ ने शिरकत नहीं की थी। इस पार्टी में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पासा अकेले नहीं पहुंचे, वो अपने टॉप के अधिकारियों के साथ भी पहुंचे। खबर बड़ी थी तो पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर पूरी तरह छाई रही। भारतीय हाई कमिश्नर के इफ्तार डिनर में डायरेक्टर जनरल ISI की शिरकत। सदर जरदारी ने कहा है कि पाक भारत मुज़ाकरात की मौतली से इंतहा पसंद फायदा उठाएंगे। जानकारों की माने तो ISI चीफ जैसे अहम पाकिस्तानी अधिकारियों का इस तरह से भारतीय अधिकारियों से मिलना जुलना एक अच्छा संकेत है। खास बात यह है कि पाशा ने भारतीय उच्चायुक्त की पार्टी में शिरकत सेना अध्यक्ष जनरल परवेज अशफाक कयानी की रजामंदी के बाद ही की होगी, जिन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गिलानी के खिलाफ जाकर मुंबई हमले के बाद पाशा को भारत जाने से रोक दिया था।